everyone. तो दिल्ली में जितने बढ़िया बढ़िया दिल्ली में बहुत सारे यही करेंगे ओके अभी दिल्ली में बहुत सारे जितने भी दिल्ली में कॉलेजेस हैं जहाँ पे भी मैं जाता हूँ पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है एनर्जी को अप करने के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरत लग नहीं रही पर फिर भी कर लेते हैं तो दिल्ली में एक कॉलेज सबसे ऊपर आया था जो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है वो सबसे ऊपर फिर मैं चला गया हरियाणा ठीक है पहला कॉलेज था मेरा हरियाणा के पीछे के सारे रिकॉर्ड टूट गए आज मैं पहली बार पंजाब आया हूँ तो मैं 5 तक क्लैप करूँगा और क्लैप करने के बाद पागल हो जाना है नीचे की सीटें उखाड़ के फेंक देनी है और देखेंगे एम्पलीट्यूड कितना हाई लेके जा सकते हैं स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 इतना दम नहीं था हार गए तो थापर का भाई नया रिकॉर्ड है ठीक है और ये वीडियो में डाल देंगे हम तो आज के सेमिनार का यार एज ऑलवेज कोई टॉपिक डिसाइडेड नहीं है इंटरैक्टिव सेशन है आप कोई टॉपिक बोलोगे उस पर गप गप करना स्टार्ट कर देंगे और मैं 5.5 घंटे चल के आया हूँ 5.5 और लगेंगे तो 2 घंटे से पहले तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें ठीक है तो रिसेंटली यार मेरा पूरा बैच मतलब सारे साथ में ग्रेजुएट हुए सबकी जॉब वॉब लगी तो आप फिर थोड़ा सा देखने लग जाते हो कि यार हमारे साथ हुआ क्या है पिछले 21 सालों में ठीक है स्कूल भेज दिया कॉलेज भेज दिया और अब जॉब कर रहे हैं तो एक रियलिटी जो मैंने नोटिस करी कि जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है आप 21-21 साल के हो जाते हो तो कॉलेज तक का जो जोन है ना यार वो है अच्छा जोन कम्फर्ट जोन और उसके जस्ट बाहर आप आते हो ना तो ऐसे ही गड्ढा सा आता है ठीक है मतलब गिर गिर जाते हैं तो मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका यार सॉर्ट ऑफ 25,000, 20,000, 30,000 का प्लेसमेंट है पर मंथ का कुछ बच्चे हैं जिनका 1,00,000 है और कुछ बच्चे हैं जिनका 10,00,000 है ठीक है तो आपको बस ये डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में क्या मतलब समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ फील आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में क्या डिफरेंस होता है क्या चीज़ें होती है जिनकी वजह से डिफरेंस आता है ये चीज़ जाननी है थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट हो क्योंकि एट द एंड हमने नर्सरी में इसलिए एडमिशन लिया था जिससे हम बोर्ड में अच्छा नंबर ला सके हम बोर्ड में अच्छा इसलिए लाए थे जिससे हम इंजीनियरिंग में आ सके और हम इंजीनियरिंग में इसलिए आते हैं जिससे कि हमें एक अच्छी प्लेसमेंट मिल सके एट द एंड लास्ट में चीज़ आती है माँ बाप ये कहते हैं ये बच्चा हमारा भविष्य अपना सुरक्षित कर ले राइट तो इस पे बात कर लेते हैं कि यार तीनों में क्या डिफरेंस होता है पिछले 4 सालों में यार कुछ 4-5 चीज़ें जो कि मेरे को लगता है लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले तो भाई कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं हमारा अस्तित्व क्या है तुम रोज़ सुबह उठ के यहाँ पर आए हो और यहाँ पर बैठे हो कुछ पर्पस क्या क्या फोड़ना है मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया मैं एक बार है ना 5 क्लैप्स वाली एक्सरसाइज करा रहा था और मैंने बोला था शोर मचाना कुछ भी बोल सकते हो तो तो एक बच्चा था वही कहीं पीछे बैठा था और वो थोड़ा पीछे तक था पूरा ऑडिटोरियम ऐसे 2 लेवल थे उसमें मैंने वो बंदा बोलता आई लव यू नेहा
उसकी किस्मत इसलिए खराब थी, जब उसने बोला तब ऑडियंस रुक चुकी थी। तो मतलब फिर नेहा को भी पता चल गया, ठीक है, और कुछ कुछ हो गया। देखो मनी है ना, लाइफ में सब कुछ नहीं होता, बट ट्रस्ट मी मेजॉरिटी चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी 25,000 की जॉब है, आपको जॉब भी जो बॉस है वो भी ज़्यादा घिसाई करेगा, ठीक है। और घिसाई के बाद क्या, पूरे दिन भाग रहे हो और एट द एंड आपको 1,000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो मोटिवेशन भी नहीं आता उतना भागने का। और फिर आप सोचते हो यार, काफ़ी बच्चे होते हैं ना यार, मैं कॉलेज में कोडिंग नहीं करूँगा, मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। अब वो जॉब करके बोलते हैं काश कोडिंग कर ली होती, समझ रहे हो। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं। और यार मैं वो बंदा हूँ जो कि पढ़ाई में ज़्यादा है ना विश्वास नहीं करता, 12वीं तक करता हूँ, उसके बाद नहीं। तो मेरा यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि दुनिया में जो असली में पैसे कमा रहे हैं ना यार, वो सारे जॉब नहीं कर रहे, वो कुछ और खुदाई कर रहे हैं। आज का हमारा पॉइंट ये है कि उस डोमेन को थोड़ा सा मैं बस खोल के दिखा दूं, जिससे कि आप बाद में एक्सप्लोर कर सकें। वाइल्ड ऑडियंस है। पहला होता है यार कि इस पूरे यूनिवर्स में है ना कुछ फोर्सेस हैं जिनके बारे में साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, पर अगर आप किसी चीज में मतलब बिलीव करते हो ना, वो चीज पॉसिबल हो जाती है। वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में कुछ कुछ करने लग जाती है, ठीक है। वो चीज असली में है। मैं जब बचपन में था, ठीक है, छोटा बच्चा होता था, तो मैं बहुत शाई हुआ करता था। मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है किसी ने? देखा है मेरे को क्या, मतलब 30 किलो कम था मैं इससे जो हूँ आज, और मैं एक्सेंट मार रहा था, समझ लो। फर्स्ट वीडियो सोचा इंग्लिश में बनाना चाहिए, और इंग्लिश में भी नहीं होता, छुझे भैया खान अच्छा खबाच, उस प्रकार का कुछ था, ठीक है। आपके पास लाइफ में जो चीज़ नहीं होती ना, आप उस चीज़ की सबसे ज़्यादा चाह करते हो। तो जब मैं छोटा था, शायद था, तो मैं हमेशा ही इमेजिन करता था कि ना मैं बहुत सारे लोगों को स्पीच दूंगा, ठीक है, और लोग सुनेंगे। ये चीज़ ड्रीम लगती थी, यूँ लगता था नहीं होगा, वो नहीं होता। आप कभी कभी जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है, तो वर्ल्ड कप देखने के बाद, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, गेट बंद करके खुद यूँ मार रहे होते, ये छक्का मैं ऐसे मारता, ये चौका वैसे करे, कभी किसी ने दिमाग में विजुलाइज किया हो, अरे यार धोनी ढंग से नहीं खेला, मैं होता तड़ा तड़ मारता, 6 में 6 नहीं कितने ओवर का गेम है, सब में अगर 6 नहीं 5 में तो 6 लेना पड़ेगा, फिर सिंगल लेना पड़ेगा बारी के लिए वापस। मैंने मतलब ये दिमाग में सोचा है ना कभी कभी, स्टार्ट हुआ है यार तुम। तो ऐसा कुछ कुछ बचपन में सोचा था, वो चीज़ लकीली हो गई। फिर लाइफ में ऐसी 2-3 चीज़ें मैंने और सोची, और वो चीज़ें भी पॉसिबल हो गई, पता नहीं कैसे। मैं जब अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया था, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मतलब तुम मेरा ये वीडियो बना के मुझे वापस फर्स्ट ईयर में दिखा देना, तो मैं और बोलते कि यार तू 4 साल बाद ऐसा कुछ कर रहा होगा, मैं बोला यार वीडियो एडिटिंग इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गई क्या, समझ रहे हो, मतलब कुछ भी दिखा देते आजकल। तो जो तुम्हारे ड्रीम्स होते हैं, अगर तुम उनमें असली में बिलीव करते हो, कुछ ना कुछ होके फाइनली 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में समहाउ वो तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लगती। अगर कोई आके स्टेज में मुझे फर्स्ट ईयर में बता रहा होता, मैं यूँ होता, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जल्दी बताओ, इस पर तो मेरा विश्वास नहीं है, पर ये चीज़ होती है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट दिया। तो जो भी तुम्हारा विजन है ना, उसे फुल शिद्दत से मतलब चाहने लग जाओ। वो होता है ना यार बॉलीवुड का आशिक है ना, या फिर टिकटॉक के वो लड़के, वो जो सैड सॉन्ग में गाते हैं, ठीक है, कि भाई चली गई उदास सॉन्ग में भाई रोए जा रहे हैं, वैसा कुछ रोना तुम्हारा उस पर्टिकुलर ड्रीम के लिए होगा, रास्ता बन जाता है। कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, और कोई गिवर है, और वो देखता है सबसे ज़्यादा नीड किसकी है, सबसे ज़्यादा भूख किसकी है, और उसको ऐसे दे देता है, कुछ कुछ ऐसा सा होता है। और अपने सराउंडिंग में यार पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी सराउंडिंग नेगेटिव है, हम सबकी सराउंडिंग नेगेटिव होती है, ठीक है, उसे पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव नहीं सुपर पॉजिटिव बनाना हमारा काम है। एक एग्जांपल देखा यूट्यूब पे सबने, बहुत ज़्यादा फेमस है, कि एक पानी का टैंक लेते हैं, साफ पानी है, ठीक है, वो हो तुम, उसके अंदर मैंने कुछ मिट्टी डाल दी, तब वो क्या हो गया, गंदा, वो मिट्टी थी नेगेटिविटी।
आपका रोल क्या है, उस मग्गे के अंदर बाहर से पाइप लाके फ्रेश पानी डालना, ये है पॉजिटिविटी, ठीक है। और डालते जाओगे क्या होगा, अंदर की नेगेटिविटी बाहर आएगी। जब तुम पॉजिटिव हो जाते हो और तुम्हारे साथ सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, तुम्हारे साथ लाइफ में कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, हर चीज में पॉजिटिव मानना है। फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट था यू से, सेकंड था एफ से। एफ एफ मतलब ये लाइफ में ना यार, काफी बार आपको फ्री काम करना पड़ेगा और फ्री कर लेना, क्योंकि मैंने अपने 3-4 बार फ्री काम किया और उससे मेरे को बहुत सही रिजल्ट्स मिले। जैसे वो होता है ना यार, प्यार, प्यार सब समझते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ईयर के बच्चे, हाँ, अनअचीवेबल, आप समझ गए, ठीक है। तो प्यार में क्या होता है यार, अगर आप किसी को प्यार करते हो भाई, एक तो इतनी ऑडियंस पॉइंटी है ना इस बार, ओके। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसके बारे में बहुत ज्यादा केयर करते हो ना यार, कि अगर ये यहाँ पे आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है, लड़कियाँ आ रहा है, इमेजिन करो मैं आ रही है बोलूँ, हाँ, अगर जब मान लो ये तुम्हारा घर है, कोई आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, सारी चीज़ें साफ कर दोगे, नहा धोके, जो तुम 7 दिन में नहीं नहाते, नहाओगे भी, ठीक है, और जाके प्रॉपर चीज़ें, भाई खाना अच्छा, सारी चीज़ें अच्छा, प्रॉपर अच्छी डेट बनाते हो। पर अगर हमें खुद के साथ वो दिन स्पेंड करना हो, हम वैसे ही पड़े रहेंगे कच्चे में, निक्कर में, लेट टीवी देख रहे हैं, ठीक है। तो जो आदमी यार खुद को प्यार नहीं कर सकता ना, ये तो फैक्ट है, वो पहली बात दूसरों को नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आप खुद को प्यार करते हो, प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल, पढ़िए ना किसी किताब में या इंस्टाग्राम कोट में, लव इज अनकंडीशनल, है ना, कोई किंतु परंतु नहीं होता। जैसे तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच में जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, वो अभी तक तुम्हें प्यार करती है यार, समझ रहे, ये अनकंडीशनल होता है कि तुम लाइफ में कितना भी खराब काम कर लो, उसके बाद भी वो तुम्हें प्यार करें, कुछ मांगती नहीं है वापस, समझ रहे हैं। तो कुछ ऐसा सा ही प्यार तुम्हें अपनी उस ड्रीम के साथ करना होता है। जैसे मैं थोड़े छोटे एग्जांपल ले सकता हूँ, जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैं 12th जस्ट ख़त्म करी थी, ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए, तो मैंने वीडियो बना दिया, फिर मैंने कुछ और बना दिया, कुछ और बना दिया, कुछ और बना दिया। शुरुआत के 6-7 महीने मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की थी, क्योंकि उस चीज़ को इनिशिएट करने का जो मोटिव था वो पैसा नहीं था उस टाइम में, है ना, यूट्यूब से ऐसा कोई पैसा आता भी नहीं था। और आप फर्स्ट डे से पैसा कमा सकते हो, आज के दिन तो फिर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, 1000 घंटे करो, इतने सब्सक्राइबर लेके आओ, तब जाके मोनेटाइजेशन ऑन होगी। उस दिन आप फर्स्ट डे से करते थे, मेरे को 6-7 महीने बाद ऑन इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मेरी माँ बोलती थी ये कर क्या रहा है इस पे, यू इमेजिन करो तुम टिकटॉक बना रहे हो, ठीक है। उस टाइम यूट्यूब की उतनी ही रिस्पेक्ट थी, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे मम्मी को, मम्मी मेरी पॉकेट मनी आ जाती है तो इसलिए मैं करता हूँ। तो मैंने अपनी मोनेटाइजेशन ऑन करी। फिर बीच में जब मैं 2nd-3rd ईयर में आया, तो आपको क्या होता है यार, बीच बीच में कुछ लोग मिल जाते हैं ना, कॉन्टैक्ट्स, किसी की शादी में गए, पेरेंट्स ने मिला दिया, कहीं और गए, किसी और थ्रू मिल गए, किसी के दोस्त के रिलेटिव से मिल लिए। तो ऐसे ही मैं किसी रिलेटिव से मिला और उनको इलेक्शन कैंपेन करना था। तो इलेक्शन कैंपेन में आपका सोशल मीडिया यूज़ होता है, भरपूर सोशल मीडिया, खुद की तारीफ, अगले की बेइज्जती, ये करना होता है। तो मैंने 15-20 दिन के लिए उनके लिए काम किया, चाहो तो आप उनसे पैसे ले लो दिन के हिसाब से, अंकल 1000 रुपये बहुत होते हैं कॉलेज के बच्चे के लिए दिन के 1000 रुपये, पर वो काम आप फ्री कर देते हो। अब आपने क्या कर लिया, उनके साथ एक लिंक बना लिया, फिर उस लिंक का मैंने इस्तेमाल किया, समझ रहे हो, मतलब पॉइंट समझ पा रहे हो। अब वो तुम्हें हेल्प करेंगे, ठीक है, अब एक रिलेशन है, तो तुम वो उनको बिल्डिंग रियल स्टेट जो है इसके बारे में बहुत नॉलेज थी। तो मैंने कहा सर मेरे को भी बता दो, तो उन्होंने कहा था ठीक है आ जा साथ में, आ जा घूम लिया कर। तो मैं 3-4 महीने उनके साथ में घूमा फिर से फ्री। अब वो जो नॉलेज है जो फ्री में मिली वो कहीं मिलती नहीं है। रियल स्टेट का कोर्स देखा कहीं, आ जाओ भाई 3 महीने में पूरा सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको फ्री काम करना आना चाहिए। अगर आपकी कोई ड्रीम है तो उसके लिए फिर पैसा मत देखो, उसके पीछे भाग जाओ, ठीक है ना। जैसे अगर तुम्हारा कोई असली में प्यार होता है तो फिर तुम वो नहीं देखते ना, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, मतलब वो सारी बकवासें वो तुम्हारी मतलब मम्मी देखती होगी, तुम तो नहीं देखते ना। तो कुछ वैसा सा रखना है। तो फर्स्ट है यार यूनिवर्स पे बिलीव करना है कि अगर तुम किसी चीज़ को चाहते हो तो यूनिवर्स वो तुम्हें ला के देगा। सेकेंड, फ्री काम करने से मत डरो, ठीक है, फ्री काम करने से मत डरो, स्पेशली अगर तुम कॉलेज में हो, तुम वैसे भी 0 कमा रहे हो, समझ रहे हो। फिर एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूज होते हैं ना हम बना लेते हैं,
मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ वो हो गया था, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि ये चीज़ हो गई थी, मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि ये हो गया था, मुझे नेहा नहीं मिली क्योंकि वो गिटार बजाता था, कुछ भी। ये एक्सक्यूजेज नहीं बनाने, गिटार सीखो, समझ रहे हो? एक्सक्यूज नहीं बना सकते, ठीक है। कोई गाना भी चलता है, कुड़ी कहती पहले कौन सी जगवार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, तो पहले ले लो ना जगवार, सॉल्यूशन है तो साथ में। एक्सक्यूज नहीं बनाने होते, एक्सक्यूज बना दो आप किसी भी चीज़ के बना सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अभी है ना रिसेंटली सितंबर महीना है ना, बहुत मस्सा हो गया था, तो शुरुआत के 10-15 दिन है ना मैं कुछ काम सा नहीं कर पाया, तो मैं जहाँ जहाँ भी काम करता था वहाँ बैकलॉग आ गया था। तो मैं एक जगह ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, लाइव लेसन्स होते हैं मेरे, दिन में 3 घंटे मैं फ्री पढ़ाता हूँ और 2 घंटे मैं पेड पढ़ाता हूँ। तो वो पेड वाले मेरे सारे रुक गए थे, तो आपकी रैंकिंग होती है बेसिकली, आपसे जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे आप उतने बड़े एजुकेटर हो। तो मेरी रैंकिंग नीचे गिर गई थी 12वें-13वें नंबर पर, 15 दिन बचे थे। अभी जब अक्टूबर ख़त्म हुआ, मैंने 15 दिन काम किया, ठीक है, मेरा हार्ट टूटा हुआ था, मैं कर रहा हूँ, मैंने एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस लगा दी। जब अक्टूबर स्टार्ट हुआ तो सेकंड रैंक के थे कुछ 278K, मेरे थे 1,000,000+ आवर्स, समझ रहे हो? तो तुम 12वें से पहले नहीं, तुमने मैंने ऐसा सा कुछ हो गया था कि तुम 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th सबके जोड़ दोगे तब भी वो फर्स्ट पे नहीं पहुंचेंगे। तो तुम अगर एक्सक्यूज बनाओ तो बोल सकते हो मेरा हार्ट टूट गया, मेरा वाइक हो गया, मैं 1 महीने काम नहीं करूँगा, ठीक है, मेरी मम्मी बीमार है, या फिर तुम ये कर सकते हो कि 15 दिन खत्म हुए तुम रैंक 1 पे आ गए, अब तुम्हारी माँ खुश है, जो बीमार थी वो ठीक हो गई क्योंकि उनका बेटा काम कर रहा है, और तुम्हारा भाई भी इंस्पायर होता है, पॉइंट समझ रहे हो, फील आ रहे हो। तुम एक्सक्यूज बनाने को बनाते रहो पर उससे कुछ निकलेगा नहीं। जिस प्रकार आप किसी ड्राइंग बनाते हो, पहली बार आपको पेन दूँ, ठीक है, कि इसका स्केच बना, ठीक है, तुमने कॉपी ली और उसका स्केच बना रहा, फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा, सेकेंड टाइम में नहीं आ गया, छोड़ दे। एक तो फेलियर हम बहुत नेगेटिव वर्ड समझते हैं, फेलियर मतलब पंच आ रहा हो फेस पे, अब दूसरा खाने के लिए, नहीं यार इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। आपकी फर्स्ट टाइम ड्राइंग नहीं बनी तो सेकंड टाइम ट्राई करोगे ना, लॉजिकल है ना, वरना तो नहीं बनेगा। थर्ड टाइम भी करोगे, फोर्थ टाइम भी करोगे, फिफ्थ टाइम भी करोगे, वो चीज़ करते रहनी होती है, तब जाके तुम परफेक्शन की तरफ आते हो। तो लाइफ में ना फेलियर आएंगे, जितना बड़ा होता है ना उतना अच्छा होता है। तो फेलियर अगर लाइफ में आए उससे डरना नहीं, उसको तो ढूंढते रहो क्योंकि वो फ्यूल का काम करेगा, ठीक है। लोगों को बताओ कि यार मैं फेल हो गया, जिससे कि तुम उन्हें बाद में प्रूव कर सको वो फ्यूल का काम करता है। ये पूरे भी जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं, आप में से आज से 5 या 6 साल बाद कुछ ऐसे बंदे होंगे जो कि सही में महीने का 10 लाख कमा रहे होंगे, कुछ का मतलब 1 या 2, ठीक है। कुछ होंगे जो कि वही जो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट बताया था, और कुछ होंगे जो कि लाख, लाख बहुत अच्छा है पर 10 लाख बहुत अच्छा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो वो जो चीज़ है उसके लिए थोड़ा सा क्रेजी होना ज़रूरी है, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा अलग सोचना, किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागते रहो। हो सकता है कि तुम्हें यार जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद 1-2 साल हो गए, अब तुमने कोई साइड चीज़ स्टार्ट की थी, तुम जॉब से कमा रहे थे 80-90 हज़ार रुपये, वो साइड वाली चीज़ 60,000-70,000 पर आ गई है, 3-4 महीने से 70-80 हज़ार पे, अब क्या करो, जॉब को मारो किक और पूरा फुल टाइम इस पर काम करो। तो आप जितना काम करो, ज़रूरी नहीं है थर्ड ईयर में, हो सकता है फोर्थ ईयर में, हो सकता है सेकेंड ईयर में, लास्ट में यार आपको अपनी उस चीज़ पे अगर शिफ्ट कर जाते हो, गलती से कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसमें फ़न आता है, तो मतलब लाइफ सही हो जाएगी, तुम्हें वो काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें काम काम फील नहीं होगा। मेरे सैटरडे संडे ऑफ नहीं होते, मेरे दोस्तों के सैटरडे संडे होते हैं ऑफ, वो मेरे से ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि जिस चीज़ में मन ही नहीं है उस चीज़ को करे जा रहे हैं सबके सब। और एक पॉइंट बता देता हूँ यार, ठीक है, जब मैं लाख कमाता था उस टाइम एक फीलिंग थी, और अब मैं जब कमाता हूँ उस टाइम एक फीलिंग है, मनी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस इतना होता है तुम अपनी जेब आराम से ढीली कर देते हो, शॉपिंग पे जा रहे हो नहीं देखो कि आसपास में क्या है, पर ऐसा नहीं होता कि पैसा तुम्हें खुशी दे देगा, खुशी तुम्हें एट द एंड जो काम कर रहे हो दिन के जो 8 घंटे जिस पे लगा रहे हो वो चीज़ क्या है वो देगी, समझ रहे हो ना कि जो महीने के आगे जो एंड में तुम्हें चीज़ मिल रही है उसके आगे कितने 0, हाँ वो देती है, पर एक पॉइंट के बाद तुम्हारा जो काम है वो तुम्हें खुशी देगा, फील समझ पा रहे हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम हो इनसिक्योर, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, वो है इनसिक्योरिटी। एक बार तुम सिक्योर हो गए उसके बाद हैप्पीनेस वाली फीलिंग तुम्हें तुम्हारा काम देगा, तो ढूंढने लग जाओ वो क्या चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, ढूंढो, दिमाग लगाओ। तुम बोलो भैया हम तो रियल स्टेट में, मैंने कब का रियल स्टेट में जाओ, कुछ और ढूंढ लो,
ठीक है, स्टॉक मार्केट ढूंढ लो। अब स्टॉक मार्केट में मैं नहीं जा सकता, मेरे पास समय नहीं था, तो क्या करो तुम, रिलेशन बनाओ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, और वो इंटरेक्शन कब आएगा, हर चीज हर आदमी को कंट्रोल करने के यार अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तुम एक स्मार्ट आदमी हो, मान लो सेंसिबल आदमी हो, अगर मुझे तेरे साथ खेलना है, तुझे कन्विंस करना है, तो मैं तेरे साथ फ्रैंक होकर बात करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं गोल घुमाऊंगा तो पकड़ जाएगा, तो मानेगा नहीं ये तो गोल घुमा रहा है, तो मैं फ्रैंक बातें करूंगा। अगर कोई दूसरे टाइप का आदमी होगा जो इजीली, तो उसको मैं घुमा दूंगा। समझ रहे हो, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ये कॉलेज ही तो तुम्हारा एरेना है, हर आदमी पर ट्राई करके देखो, क्या बाहर जाके थोड़ा ना सीखो कि बॉस पे लगाओगे, हाँ यहीं पे तो लगाना है सब पे। स्नैची गेम है, स्नैची, तुम्हें स्नैच करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जितनी तुम अजीब सी वो चीज़ पकड़ोगे ना, जहाँ पे कोई नहीं जा रहा वहाँ पे सक्सेस उतनी आसान है, रिस्क ज़्यादा है सक्सेस उतनी आसान है। कभी किसी ने, कितने लोग हैं जो कि भाई हफ्ते की एक एक किताब पढ़ते हैं, या मतलब साल में भी एक किताब पढ़ लेते हैं। पॉइंट क्या है, आज जाओ, अगर किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, ऑडियो बुक डाउनलोड मार लो, ये चीज़ें सही में इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कुछ किताबें हैं जो कि तुम्हें सही में ज्ञान देंगी, कम्युनिकेशन करना कैसे है, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। बहुत फेमस बुकों के नाम बोल रहा हूँ मैं, थिंक एंड ग्रो रिच, वो ऐसी किताब नहीं है, बेस्ट सेलर ऐसी नहीं है, वो रियल है। तुम सोचोगे तुम बन जाओगे। यूपीएससी एग्जाम के बारे में सुना है सबने? तुम बताओ, पिंक शर्ट, हाई लेवल एग्जाम, लड़कियों में कोई डिसाइड कर रही है कौन सी लड़की देगी, आपस में देख भी नहीं रही है, तू खड़ा, तू खड़ी हो, तुम वाइट वाइट, हाँ हार्ड है दिमाग में हमारे, क्या है डिफिकल्ट हार्ड। कोई यूं नहीं बोल रहा यूपीएससी देख के आईएएस बन सकते हैं, किसी ने नहीं बोला, सबके दिमाग में डिफिकल्ट पहले है। अगर यहाँ पे मैं किसी ऐसे आदमी को लाऊं जिसने क्लियर कर रखा हो, उनसे कभी पूछोगे वो बोलेंगे यार आसान है। तुमने लाइफ में कोई चीज करी है? बोर्ड एग्जाम दिया सबने? बहुत मुश्किल है क्या? पर पहले लगता था ना पता नहीं क्या होगा, शर्मा जी के बराबर ला पाएंगे या नहीं। ठीक है, मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूं सब असली में आसान है, तुम्हारे 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तरह। पॉइंट ये है, तुम दिमाग में हार्ड बना के बैठे हो, और मैं उस इमेज को तोड़ ही नहीं सकता, तुम्हें ही तोड़नी होगी वो इमेज। तो हमने दो चार पॉइंट डिस्कस करे हैं। पहला, यूनिवर्स पे बिलीव करना है। सेकंड, मेंटर, हो सकता है कि तुम्हारी उससे बात होती हो, वो कॉलेज का सीनियर हो सकता है वो किसी किताब का ऑथर हो सकता है कि वो किसी पॉडकास्ट में रोज बातें करता हो, कोई भी बंदा हो सकता है वो। ठीक है, तीसरा, एक्सक्यूज नहीं बनाने, लाइफ में कुछ भी हो रहा है एक्सक्यूज तो बनाने ही नहीं है, ये पंखा यहां से टूट के इधर गिर गया, एक्सक्यूज नहीं बनाना है। ठीक है, इसमें भी यूं अपने आप को बताना है कि यार मेरी गलती है, इसके नीचे खड़ा होगा तो गिरेगा ही। पॉइंट समझ पा रहे हो? एक्सक्यूज तो किसी चीज का नहीं बनाना, जैसे एक्सक्यूज बनाया आपने सरेंडर कर दिया, और लाइफ में सरेंडर करना सबसे आसान काम है। क्वेश्चन देखना, गुड एट समथिंग, समझ रहा है? गुड है तब तो चार्ज करो भाई। पॉइंट ये कि तुम गुड बनने के लिए फ्री में काम कर रहे हो, मेरे को थोड़ा ना आर एस के बारे में पता था, रियल स्टेट के बारे में पता था, मैं घुसा ना उसमें। तुम्हें थोड़ा ना यूट्यूब के बारे में पता होता है, पर तुम्हें जिससे भी जानकारी मिलेगी तुम करोगे। तुम्हें थोड़ा ना यूपीएससी के बारे में पता है, पर फिर भी तुम किसी प्रोफेसर के पास जीटीवी नगर या फिर भाई मुखर्जी नगर या फिर जिसने क्लियर कर रखा उससे जाके पूछोगे। हाँ मैडम, कॉलेज लाइफ को यूटिलाइज कैसे करें? चलो ये थोड़ा कुछ तो अच्छा क्वेश्चन है। कॉलेज लाइफ में 12 महीने हर साल में चेंज तो नहीं होते, 12 ही रहते हैं। समर ब्रेक कितना है? 2 होते हैं। विंटर ब्रेक 3 महीने फ्री मिल गए। सैटरडे संडे ऑफ है। कितने सैटरडे संडे होते हैं? 52, पर हमें 9 महीने का निकालना है, तो 104 को 3/4 से मल्टीप्लाई करो, कितने दिन आ गए? ऑलमोस्ट 75 डेज। एक्स्ट्रा कितने? 2.5 महीने, तो 2 महीने, 1 महीने, 3 + 2.5, 5.5 महीने कॉलेज के फ्री हैं। तो अगर मेरे को कोई बोले कॉलेज जिंदगी में टाइम नहीं मिलता, सही में सीरियसली मतलब 5.5 महीने तो ऐसे निकाल दिए, बाकी निकालें। 5.5 महीने हैं कॉलेज के, जब भी अंदर आते हो यार, जब तुम्हारी क्लासेस चल रही है, कौन पढ़ता है? टीचर से, मैं तो यूट्यूब से पढ़ता था। सीएस के सारे बच्चे हो ना? कितने सारे चैनल है, रविंद्र बाबू, रघुला, पता नहीं कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। अभी तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपने देखा नहीं होगा,
आगे जैसे जैसे जो भी सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएंगे सारे के सारे यूट्यूब पे कवर्ड है, सब मिल जाएंगे। मैंने किसी प्रोफेसर से नहीं पढ़ा, ट्रस्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं क्लास में ऐसे जाता था, पीछे घुसा, बैठा, सोया, खत्म, ठीक है। उसके बाद दोस्त उठाएगा, भाई अटेंड प्रेजेंट सर, खत्म। कोई एक दो टीचर पकड़ लेते थे, जैसे हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में हमारे भी चढ़ा था, यूपीएससी करेंगे, हिंदू का न्यूज़पेपर, टीचर आ जाएगा न्यूज़पेपर लेके चला जाएगा, क्या मिल गया। तो मतलब इस तरह की मैंने चीज़ें करी हैं, टीचर ले गया अपने पास रख ली, अब मुझे क्लास पढ़नी नहीं, मैं खड़ा हुआ, उसने अपनी टेबल पर रख रखा है, मैं गया, मैंने अपना न्यूज़पेपर उठाया क्लास के बाहर। समझ रहे हो क्या नंबर काट लेंगे, कितने 10 मार्क्स इंटरनल के हैं, काट लो भाई, जीरो तो देंगे नहीं, 6-7 दे ही देंगे, पहले 9, 3 नंबर का फर्क, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ थोड़ा सा क्रेजी होना है, तुम्हारी जो प्रायोरिटी है उसे प्रायोरिटी बनाना है। इजी विजुलाइजेशन है, अगर नेहा बोलती क्लास के बीच में मैसेज आ रहा है कि यार उधर आ जा, बहुत प्रॉब्लम हो गई, तुम छोड़ के जाते ना क्लास, सेम फीलिंग है ना, उस चीज के लिए लानी है। मैं एक बार है ना कहीं पे, हम दिल्ली में होते हैं तो वहाँ, यहाँ पे ना कोडिंग के कुछ कुछ इंस्टीट्यूट थे, वहाँ जाके कोडिंग सीख सकते हो। फर्स्ट ईयर में घर वालों ने डाल दिया, हमें भी भाई बनना था इंजीनियर, मैं गया कोडिंग, वहाँ पे पढ़ रहे हैं सब, कोडिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो भी सबको देख रहा है, ठीक है, हम सबको देख रहे हैं, वो कई क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं चलो भाई करो, कोई डाउट हो तो पूछो। मैंने उसको देखा, हमने कहा चलो हम बाहर निकलते हैं, हम बाहर निकले बैग लेके अपना, ठीक है, बाहर पे जाके पहले तो सीढ़ियों पे बैठे, थोड़ी देर डिस्कस कर लेते ना, ऐसे भी निकल के बाहर खड़े हो गए। तो वो बोलता है यार क्या कर रही है, अपन तो सरकारी करेंगे, क्या कर रही है, मुँह माए जाके ऑफिस में बैठना पड़ेगा काम। मैंने घर में बात तो सही कर रहा है, मेरे घर में भी सारे सरकारी वाले, क्या चीज़ है। तो हम दोनों खड़े हुए, जाके मुखर्जी नगर चले गए। एक तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में ना, जब आप एक एज पे आ जाते हो ना, 30, 40, 50 इस टाइप की एज, तो आपकी टेंडेंसी होती है कि यार मैं सोसाइटी को गिव बैक करूं। तो अगर किसी बुजुर्ग के पास एक छोटा सा बच्चा आता है, सर 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 कैसे पढ़ाई करूं, तो वो टीचर बताते हैं, अगर तुम में से कोई मेरे पास उठ के आएगा मैं बताऊंगा, मेरे को अच्छा लगेगा, इसने मेरे से पूछा मैं बताऊंगा, फील समझ पा रहे हो। हम भी जाके मुखर्जी नगर में घुस गए, हमने बोला सर हम IIT दिल्ली के और हमें UPSC निकालना है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, देख रहे हो परफेक्ट कैंडिडेट फॉर UPSC, देख रहे हो, मतलब कॉलेज गलत बताया हमने, घुस गए और वहाँ पे टीचर पूछ रहे हैं सर क्या करें, और देखो वो यूँ नहीं बता रहे इजी एग्जाम हो जाएगा, बुक लिस्ट बताई, एक पेपर पे A4 पे प्रिंट कर रखा था, इंस्टीट्यूट पे होती है ना, बेटा ये बुक लिस्ट है, इसको तुम करोगे 2 महीने में हो जाएगा, इसको तुम करोगे, और इनफैक्ट यहाँ तक उस बंदे का खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने बोला यार तुम IIT दिल्ली के हो तो मैं ना इन सब की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल के लिए देख लेना वरना उसके लिए भी जरूरत नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, घर पे बैठ के करो। पॉइंट समझ पा रहे हो, अगर तुम हेल्प मांगोगे लोगों से हेल्प मिलेगी, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, मैंने तो बहुत हेल्प मांगी है, ठीक है, अगर तुम हेल्प मांगोगे तुम्हें हेल्प मिलेगी, चाहे किसी से, तुम्हारी क्लास में कोई बहुत गंदा है ठीक है उससे भी हेल्प मांगोगे वो भी हेल्प करेगा, हेल्प मांगो तो, क्योंकि अगले को ये फीलिंग आती है कर दिया मैंने, समझ रहे हो। आदमी इंपॉर्टेंस का भूखा होता है, एक सेमिनार में मैंने बताया था जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है बता, धन दौलत जायदाद क्या बता, ब्लैक शर्ट देखो अटेंडेंस के लिए तो मैं CR बन गया था, मुझे अपने आप बन गया, बाद में पता चला कि CR अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं, मेरे कॉलेज में तो लगा लेते थे, तो मैं हमेशा बोलता था आज मैं कॉलेज आया हूँ, ठीक है, तेरी और तेरे 5 दोस्तों की मैं लगा रहा हूँ, जिस दिन मैं नहीं आऊँगा तो मैं मेरी लगानी है, तो मेरी अटेंडेंस का कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। ज़िंदगी में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लोगों ने नेगेटिविटी भर दी है कि चीज़ें मुश्किल हैं, और उस नेगेटिविटी से डर के तुम स्टेप्स नहीं ले रहे बस, ठीक है। जैसे कि मेरे एक बार दोस्त आए, वो बोले यार तू सेमिनार्स लेता, मैंने कहा हाँ, उसके कॉलेज में जाके सेमिनार लेके आया, तो उसने बोला भाई फ्री में कर देता है, मैंने कहा हाँ फ्री में कर देता हूँ, बोला भाई चार्ज किया करना, जब हम कंडक्ट कराते थे तब तेरे को याद है वो आया था उसने 30,000 लिए थे, उसने 40,000 लिए थे, पैसे ले लिया कर, कितने में जाता है तू तो कमा लेगा। जिस चीज़ को ये है ना यार एक ड्रीम होता था, ठीक है, तो
इस चीज़ के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को, समझ रहे हो। मैं पूरे दिन का जो मेरा छुट्टी हो सकता था वो भी लगा के आऊँगा यहाँ पे, मुझे ये चीज़ करनी है। तो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ ढूंढो जहाँ पे है ना मोटिव पैसा ना हो। थ्री इडियट्स का एक वो है ना, काबिलियत के पीछे भागो सक्सेस झक मार के पीछे आएगी, इस प्रकार का कुछ है ना। अपने इंटरेस्ट के पीछे भागो, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसके चलिए तुम पागल हो सकते हो, प्यार के पीछे भागो, समझ रहे हो, और बाकी सारी चीज़ें अपने आप आएंगी। तो ऐसी कोई चीज़ ढूंढ लो, और ज़्यादातर लोगों की वो कोडिंग नहीं होती, इसलिए मैंने कोडिंग से स्टार्ट नहीं किया। पॉइंट समझ गए सेमिनार? यस, क्योंकि अगर कुछ ड्रीम करना है तो 10 लाख को करो, 1 लाख को भी क्यों करें, 10 लाख को क्यों, 1 करोड़ को करो, राइट? रिचनेस इज रिलेटिव ना, एक बार 10 लाख कमा लिया फिर तुम 1 को करोगे ना टारगेट, सेटिस्फैक्शन तो है नहीं, जिंदगी में ग्रो करना है हमें, राइट? समझ पा रहे हो, समझ रहे हो? 1 करोड़ का नाम सुनते हैं ना जोश आ जाना चाहिए, इस प्रकार का, समझ रहे हो। ओवरथिंकिंग जो है यार वो जरूरी है, थोड़ी बहुत, समझ रहे हो, जो एंग्जाइटी आती है वो जरूरी है, क्यों, तुम्हें ग्राउंडेड रखती है प्लस तुम्हें पुश करती है वो चीज अचीव करने के लिए। पेपर से पहले जो डर लगता है पेट में थोड़े ऐसे मरोड़े से आते हैं, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, उससे ना पेपर अच्छा होता है, समझ रहे हो, पढ़ते हो तुम, टेंशन ही नहीं है, बोर्ड आ रहा आ जाएगा, बहुत बहुत एग्जामों को देखा है मैंने ये भी आ जाएगा, तो वो थोड़ी बहुत चाहिए। फैमिली को सिर्फ एक इशू होता है कि ये जो चीज कर रहा है उसमें इसे सक्सेस नहीं मिलेगी, ये उनका सबसे बड़ा फियर होता है, ये इधर जाएगा ये बीच में छोड़ के वापस आ जाएगा, ये करेगा नहीं, इससे है ना इंजीनियरिंग डिफिकल्ट लग रही है तो इसने बाकी के ना ये चोचले कर लिया, और ये उन्हें भी ढंग से नहीं करेगा और वापस आएगा, 4 साल बाद में इसके दोस्त प्लेस होंगे और ये ऐसे ही घूम रहा होगा, ये है उनका डर। उन्हें तुम्हारे करियर ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम समहाउ ये प्रूव कर सके उन्हें कि जो भी मैंने करियर ऑप्शन सोचा है उससे मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ, समझ रहे हो, घर वाले मना नहीं करेंगे। फर्स्ट ईयर में मेरे घर में होता था मम्मी पूरे टाइम, बेटा फ़ोन यूज़ मत कर, बेटा फ़ोन यूज़ मत कर, ये डब्बे ज़िंदगी ख़राब कर देंगे तुम्हारी, बर्बाद कर देंगे ये तुम्हें। अब फाइनल ईयर जब कॉलेज ख़त्म हो गया, मम्मी का पता क्या होता है, तू फ़ोन पे क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं कर रहा, वीडियो क्यों नहीं डाला, क्लास क्यों नहीं ली, तूने पोस्ट नहीं डाला इंस्टाग्राम पे, समझ लो सेम माँ चेंज हो गई क्यों, क्योंकि जो इनसिक्योरिटी थी वो मैंने मिटा दी। अब दिक्कत वहां आती है कि शुरुआत से जब तक तू उस लेवल तक पहुंचेगा जहां पे तू फाइनेंशियली सिक्योर है, उस फेज में माँ को कैसे झेला जाए, समझ रहे हो, तुम ड्रीम के पीछे भाग रहे हो, मम्मी बोलेगी मत कर, डर लग रहा है उन्हें, तो उस फेज में हम खेल जाएंगे, छुपा लेंगे, मैंने तो ये किया था, या फिर तुम ऑनेस्टली बता दो। क्योंकि मैंने यूं सोचा था कि यार मैं कॉलेज से, काश कुछ ऐसा हो जाए मैं कॉलेज से ग्रेजुएट करूं तो मेरा है ना हाईएस्ट पैकेज हो, ठीक है, शुरुआत में कुछ पता नहीं, तुम प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे, पर अगर तुम बिलीव करते हो वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि अब तुम वो आशिक हो जिसे लैला नहीं मिल रही, समझ रहे हो, और तुम लेके आओगे लैला, नहीं है तो बनाओगे एक नई लैला, समझ रहे हो, तो वो चीज़ होती है और तुम संभाव कुछ कुछ कर दोगे, ठीक है, बाकी का बीच का बात तुम्हें खुद डिसाइड करना होता है। देख बहुत बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है तेरी मम्मी का टेम्परामेंट क्या है, ठीक है, तो मतलब मैं तो बोल देता हूँ मम्मी ऐसे कुछ बोल रही होती है ना, सबकी मम्मी बोलती हैं, जैसे मान लो राजमा बन रही है, मौसी जी की राजमा अच्छी थी समझ रहे हो, तो तुम बोले यार कंपैरिजन मत करो मेरा, तुम्हारा मुंडा अलग है उनका मुंडा अलग है, समझ रहे हो, और यार उसका सब देखो जिंदगी भर के लिए खत्म नहीं होंगे जब तक तुम उन्हें ओवरकम नहीं करोगे, ये रियलिटी है, ठीक है, मतलब ये रियलिटी है, और उसके बाद हो जाए उसकी भी गारंटी नहीं है। मेरी मम्मी अभी तक ताने मारती है मुझे, समझ रहे हो, मैंने कहा मेरा उनसे ज्यादा पैकेज है, क्यों ताने पड़ रहे, वो व्यवहार में तेरे से अच्छे, मतलब क्या भाई कुछ भी लेके आ जाओगे, वो कुछ भी ले आएंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो वो तो माँ बाप हैं, कुछ कुछ बोलते रहेंगे, ध्यान नहीं देना उस बात पे। आगे, अरे बहुत सही है, इफेक्ट तो कुछ नहीं करती यार, देखो मतलब मेरी तो क्लास में ज़्यादा लोड हो गया, 50 बच्चे थे, जिन जिन पता नहीं कैसा मतलब कोइंसिडेंस हुआ, जिन जिन की अच्छी लगी सारे रिलेशनशिप में थे
जिनकी खराब लगी वो नहीं आया था सर। देखो यार, हर कॉलेज का अलग होता है। हमारे कॉलेज में कंपनियां आ रही थी, NSIIT के कोडर अच्छे कोडर नहीं होते, IIT वाले भी, समझ रहे हो, जहाँ पे इजीली हलवा मिल रहा है तुम्हें फाइट नहीं करनी पड़ रही। हम क्या करेंगे, बेसिक लैंग्वेज DSL को थोड़ा सा कोड शेफ। एक ऑफ कैंपस वाला क्या करेगा, कोड शेफ को खाड़ फेंकेगा, दो तीन स्किल सीखेगा। तो एक ऑफ का जो छोटे कॉलेज वाले बच्चे हैं, समझ लो एकदम छोटे जिन्हें तुम्हें नाम भी नहीं पता, वहाँ जो बंदा कोडर है वो हम सबसे अच्छा है, समझ रहे हो। तो हम हर कॉलेज के डायनामिक्स अलग होते हैं। हम अफोर्ड कर सकते थे, तुम भी अफोर्ड कर सकते हो कि तो रिलेशनशिप में रहो तब भी प्लेसमेंट मिल तो जाएगी, तो अलग अलग होता है। वही है यार, तुम्हें प्लेसमेंट के लिए 4-5 महीने पढ़ना होता है, बाकी 3.5 साल से ऊपर बच गए, कैसे लगाने वो तुम्हारी मर्जी है ना। पर अगर तू लैला किसी और को बना लेता है तो मतलब बहुत सही हो जाएगा, तो कोई नहीं, अगर पैशन वैशन मिल जाता है। मतलब मैंने लैला नहीं बनाई थी तो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मतलब लैला बनाई थी, असली लैला नहीं बनाई थी। मैं वो वाला लड़का हूँ जिसे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता फिर भी सबको ज्ञान देता है, समझ रहे हो। पूछ दो, ढूंढते हो ना तो वो कौन आदमी है, मैं हूँ आदमी, देख लो मेरे को, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त बहुत हैं जो कि रोते हैं, तो मेरे को पता है दुख दर्द। कभी कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है, ये मुझसे ज़्यादा अच्छा है या वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, किस बेसिस पे, मार्क्स, IIT में वो ज़्यादा अच्छा है। मार्क्स, सीरियसली मार्क्स के बेसिस पे होता है क्या? मैंने नहीं देखा, 2-3 हज़ार बच्चों को देख लिया और आज वो कहाँ कहाँ पे हैं वो भी देख लिया। मैटर करता है पर इतना नहीं है कि वो चेंज कर दे, समझ रहे। बहुत ऐसे बंदे हैं जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और फोड़ रहे हैं, बहुत ऐसे बंदे थे जो कि पढ़ाई में अच्छे थे और दिमाग ही नहीं चल रहा, पढ़े जा रहे हैं बेवकूफों की तरह, तो उतने अच्छे नहीं हैं, समझ रहे। पढ़ाई डिसाइड नहीं करती, क्या बोलूँ, करती है अगर तुझे प्लेसमेंट चाहिए तो, तेरे को बाकी कुछ करना है तो नहीं करती। पढ़ाई से कहाँ से फ़र्क पड़ने लग गया यार, सीरियसली। वो तो पेरेंट्स के लिए नहीं होता क्या, तुमने भी ले लिया क्या वो कोर्स, मतलब पेरेंट्स पे छोड़ देना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अपना कुछ भी कर सकता है। तो ये सोच तू कुछ भी नया उठा ले, यहाँ पे कोई भी बच्चा उसे नहीं कर रहा, कंपटीशन खत्म, जीत गया था वो, एथिकल हैकिंग उठाए कोई भी नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी जीता पड़ा है, उसे बस 3-4 साल के लिए करते रहना है जिससे कि वो पिलर ऊपर हो जाए, दिखने लग जाए। प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी, लैला कौन है, उस लैला चेंज होती रहती है हर टाइम पे। मुझे नहीं पता था यार फाइनल ईयर के बाद कहाँ से रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, वो हो जाता है अगर तुम्हारे पास रूटीन की स्ट्रेंथ है तो, लैला बन जाएगी। हमें बस कुछ चीज़ें करनी है क्योंकि इस वॉल के उस अगेंस्ट, उस पार जो चीज़ें वो मेरे को चाहिए। लैला के लिए मैं क्लास मिस करूँगा चाहे मेरे को उसमें कुछ भी मिले, समझ रहे हो। हाँ, नेक्स्ट, यस। पर इसका मैं मल्टीपल टाइम्स आंसर कर चुका हूँ। एक तो यार अगर तेरे को भूख होगी ना, लैला आ जाती है पता नहीं कहाँ से, फिर भी जैसे अगर मेरे को जूते लेने हैं, आप क्या करोगे, आपको जूते लेने हैं, चलो भाई मॉल चलते हैं या ऑनलाइन देखते हैं, दो ही ऑप्शन है अपने पास, देखते हो बजट, देखते हो कलर, देखते हो क्या मेरे दोस्तों से अच्छा लग रहा है और ले लेते हो। ऐसे कुछ 3-4 स्टूपिड फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो वैसे ही कुछ पैशन मिलता है, तुम देखते हो, सारी चीज़ों को खोदना पड़ेगा, जूते उठाने पड़ेंगे। जूते उठाने का मतलब तुम्हें हर फील्ड को खोदना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक जूता है, रियल एस्टेट एक जूता है, स्टॉक मार्केट एक जूता है, वेब डेवलपमेंट एक जूता है, एंड्रॉयड अपने आप में एक जूता है, UPSC एक जूता है। तो हर एक को, जैसे UPSC में ऑप्शनल होते हैं तो ये बोलते हैं ना, थोड़ा 2-2 दिन सारे पढ़ के देख लो, जो अच्छा लग रहा है वो ले लो। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा सही करना पड़ रहा होगा। कॉलेज में टाइम बहुत है, ये सेमिनार बुढ़े लोगों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए होते हैं। समय है हमारे पास कितने, 12x4 महीने, फील आ गए, हर एक में कुछ कुछ मतलब करके देख सकते हो, करना ही पड़ेगा पूरी। यहाँ पे जितने भी हैं एक ही, एक दो बंदे कर रहे होंगे, सिंपल है, और वो लेके जाएगा। ऐसा नहीं होगा यार कि तुम किसी एक चीज़ के, वो एथिकल हैकिंग के पीछे भागे और उसकी प्लेसमेंट बर्बाद हो जाएंगी, नहीं। प्लेसमेंट के लिए बता दिया ना कितना समय पढ़ना है, इतना, बाकी समय में वो सारी चीज़ें करनी है। आप बाकी समय में हॉस्टल रूम में बैठे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, फील समझ पा रहे हो, समय कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, वहाँ से समय नहीं निकाल रहा, मैं इधर से समय निकाल रहा हूँ, मैंने नेटफ्लिक्स पे सारी मूवीज देखी है। पर आना चाहिए किस हिसाब से देख रहे हो। एक होता है कि तुमने आज इसको पकड़ा, मैंने आज मैं इसके सारे एपिसोड देखूंगा, होता है ना 8 बजे लगे, सुबह के 8 बजे तक लगे पड़े हैं, राइट। हॉस्टल रूम में गर्मी है तो गेट खोल दिया, कूलर चला लिया, पर मैं खत्म जरूर करूँगा ऐसे, समझ रहे हो।
लाइट चली गई, जब भी चले जा रहे हैं, उस चीज़ को अपना नॉर्मल रूटीन में ले आओ, तो वो एक घंटा होगा जब खाना खाते वक्त आप देख रहे हो, ठीक है। और जैसे तुम्हारे पास नंबर, मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस बहुत फनी डालता हूँ, मतलब मेरे पास जैसे ही टाइम मिला, एक तो यार खुद काम करो पर दुनिया को दिखाओ कि तुम बहुत ऐश कर रहे हो। मैं क्या करता हूँ, बैठा हूँ, डॉबी घूम रहा है, डॉबी मेरा डॉग है, ठीक है, तो गाना चला दूंगा कोई भी, ठीक है, बैड गाय बैड बॉय होते हैं ना एक, और कुत्ते का वीडियो बना दूंगा, और यार तू कितना चिल कर रहा है। मैंने 15 सेकंड लगते हैं स्टेटस बनाने, तुम सोच रहे हो मैं पूरे दिन वो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं रास्ते में 5 घंटे का रास्ता था, 2 अलग पंजाबी भाई ड्राइवर पंजाबी, मैं स्वाद दिला दिया, रास्ता पता ही नहीं चला, ठीक है, सारे गाने रटा दिए उसने, मतलब मेरे को आती नहीं समझ में, पर फील आ रही है, बीट आ रही है, ठीक है। तो भाई मैंने 3-4 स्टेटस बनाए अपलोड, बीच में रास्ते में टैंक जा रहे थे आर्मी के, वो बनाए अपलोड, ठीक है, और बीच में कुछ स्टूपिड चीज़ें कर दो, मतलब बीच में ढाबा आया बहुत बड़ा, उसका बिठा दिया, मैं डाले जा रहा हूँ, वो लोग सोच रहे पता नहीं क्या ही कर रहा है यार ये बंदा। हम लाइफ में हम बेचारे रोज जाते हैं ऑफिस वगैरह, वापस आ रहे, उन्हें नहीं दिख रहा कि सैटरडे संडे भी बुक्ड पड़े हैं और हर दिन काम हो रहा है, ठीक है। तो दिखाओ कुछ, ठीक है, चिल रहो, मतलब वरना अगर तुम यूँ बोल दो ना सबको मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हारी सोसाइटी जिंदगी है ना, सोसाइटी वाले ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, कितनी तैयारी हुई, क्या हुआ, पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का नहीं होता, क्या तू श्योर है तेरा हो जाएगा, प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, तो सबको ये बता दो, मैं तो मस्ती कर रहा हूँ, UPSC कर ही नहीं रहा, समझ रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर नहीं आएगा। मतलब मैं तो ये लेके चलता हूँ, सबको दोस्तों को कुछ और बताओ, करो मेहनत घर में बैठ के, खुद कमरा बंद करके, राइट, दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, पर दुनिया को बता दो कि तुम क्या कर रहे हो, समझे, वो कुछ थोड़ा सा डीप हो गया, तुम्हारी दुनिया है घर वाली, तुम समझ रहे हो, उनको बता दिया तुमने, घर में भी कजन्स में मत पहुंचना, उनकी माएँ उठ के आ जाएंगी, समझ रहे हो, गैंग होता है इनका, पहले मुंह दिखाई करेंगी, समझ रहे हो, जैसे अगर UPSC है या 12वीं का बोर्ड एग्जाम है, 1-2 महीने पहले आके, और बेटा क्या हुआ, प्रिपेयर कर रही होती हैं, ठीक है, बॉम्ब इकट्ठा कर रही होती हैं कि एक साथ फेंकेंगे जैसे ही इसका रिजल्ट आया। किसी को मत बताओ पर सबको बता दो। मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, यूँ नहीं कि तुम बैठे हो उस फ्रंट बेंच के साथ, कंपेयर कर रहा हूँ कि तुम सबने अपना हार्डवर्क दे दिया, अब उसके बाद तुम्हारे डिसीजन हैं कि तुम कौन सा रास्ता पकड़ जा रहे हो, उस स्नेक लेडर होता है ना, समझ रहे हो, तुम्हारे डाइस क्या आती है दुनिया में, जब रियल लाइफ में तुम्हारे पास डाइस कंट्रोलेबल होती है, मेरे को 4 चाहिए 6 चाहिए ऊपर पहुंच जाऊंगा, समझ रहे हो, रिस्क होता है, बीच में सांप काट जाएगा, नीचे गिरूंगा, बहुत जोर से लगेगी, पर वो रिस्क लेना होता है। किसी मेरे मेंटर ने बताया था, अगर किसी को कोट याद हो, बहुत सारे सेमिनार देखता हो तो, इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज, अगर आप एज पे नहीं जी रहे हो तो यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस, एंड इफ यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस, बहुत कंफर्ट जोन में हो तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मेरे को व्यू यहाँ से मिला, समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो कुछ भी हो रहा है, रिस्क उठाना पड़ेगा। मैंने एक अपने सेमिनार में बोला था, सेमिनार नहीं वीडियो में, कि अगर किसी चीज़ में 20% रिस्क होता है, 20% होता है कि मैं सक्सेस मिल जाएगी और 80% है फेलियर होगा, तो ले लूँगा मैं, क्योंकि वो 20% को आप 5 बार जोड़ोगे तो वो 100 बनता है नहीं बनता, प्रोबेबिलिटी बोलती है 100 में से 90 बंदे यहाँ पे एवरेज होंगे, ये फैक्ट है, मैं बोलने को सब बोल सकता हूँ, तुम सब फोड़ रहे होगे, पर मेरे फोड़ने की डेफिनेशन अलग है, रिलेटिव है, बाकियों के रिलेटिव में फोड़ रहे होगे, समझ रहे हो, 60,000 का पैकेज इज गुड इंडिया को अगर आप वैसे देखोगे तो, पर बड़े वाले में अलग मजा है थोड़ा सा, समझ रहे हो, उस 10% के लिए फाइट मार रहे हैं हम, उस टॉप 1% के लिए फाइट मार रहे हैं, बाकी तो एवरेज आप वैसे ही कर रहे थे, यस यस, और ये भूल जाना IIT दिल्ली वालों में ज़्यादा दिमाग होता है, ट्रस्ट में 11वीं 12वीं में ज़्यादा मेहनत करी है उन्होंने लाइफ के 2 साल, वो भी क्या, PCM मार्केट बाहर है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कितनी आती है समझ में, हाँ वो एक फैक्टर है, पर तुम्हें लोग कितने अच्छे से समझ में आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपने चारों तरफ 100 अमीर पकड़ो जिनको भी तुम जानते हो, 100 अमीर दिमाग में, मतलब 100 कर नहीं पाओगे पर 5-6 आ गए होंगे, कितने उनमें से भाई इंजीनियर से या डॉक्टर से, बचपन में कभी ये दिमाग में आया नहीं क्या कि यार ये जो साइड में से BMW X6 गई है ये बंदा जॉब क्या करता है, ये दिमाग में आया नहीं, क्योंकि मैंने सारी कैलकुलेशन लगा ली, यार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना पड़ेगा, वो भी टॉप नॉच, जब जाके 40-50 की उम्र में शायद आ जाए, तो वो कौन
बंदा है जो X6 में बैठ के चला गया? ये क्वेश्चन दिमाग में आया कभी? तो जब वो दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाएगा तब कुछ कुछ हो जाएगा। वही घुमाना है यार। यस और नो? यस। गुड।